नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नव भारती स्टडी सर्किल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम जो ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, किसका? साइकोलॉजी का। उसकी निरंतर क्लासें यहाँ पे चालू हैं, चल रही हैं। उनमें आज हम पढ़ेंगे अधिगम के क्या गौण नियम, क्योंकि हमने आज से जो पहली क्लास थी उसके अंदर पढ़ा था अधिगम के मुख्य तीन नियमों के बारे में पढ़ा था। देखिए स्टूडेंट्स, हमें इतनी जानकारी होना तो बहुत जरूरी है कि ये जो गौण नियम है, मुख्य नियम है, ये किन्होंने दिए थे, वो जो मनोवैज्ञानिक थे वो कौन सी सदी के माने गए हैं, वो जो मनोवैज्ञानिक थे वो कौन से देश से बिलोंग करते थे। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। देखिए स्टूडेंट, जो थॉर्नडाइक हैं वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक अमेरिका के थे और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक में से एक थे। ये नहीं कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक में सिर्फ थॉर्नडाइक नहीं है, तो उन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में से अधिगम के मुख्य नियम और गुण नियमों का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? थॉर्नडाइक थे। तो मेन जो चीज आती है यहाँ पे वो होती है क्या कि जो मुख्य नियम है उनमें उन्होंने किन किन चीजों पर प्रेशर दिया है। गौण नियमों को उन्होंने बताया है थॉर्नडाइक ने कि गौण नियम इतने कंपल्सरी नहीं होते, इतने आवश्यक नहीं होते जितने मुख्य नियम होते हैं। लेकिन जब जहां कहीं भी शिक्षक बनने की बात आती है तो जितने मुख्य नियमों का प्रभाव है उतना ही गौण नियमों का प्रभाव भी यहाँ बताया गया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आज के ये जो अधिगम के नियम हैं, जो वो गौण नियम है, वो गौण नियमों के बारे में आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो आप मेरी वीडियो पर लगातार बने रहिएगा, क्योंकि गौण नियमों को मैंने 5 गौण नियम है उनको विद एग्जाम्पल यहाँ समझाया है। मुझे लगता है, मुझे आशा है कि आपको ये नियम बखूबी आ जाएंगे, क्योंकि हम कहते हैं ना कि मुख्य नियमों में चीज थी कि करत करत अभ्यास की। जब हम अभ्यास करते हैं किसी काम को करने के लिए तत्पर होते हैं तो उसके उसका प्रभाव इतना अच्छा पड़ता है कि परिणाम निकलना भी संभव हो जाता है। स्टूडेंट्स, मैंने जो ये बात कही है इसके अंदर मैंने 3 मुख्य नियमों को आपको समझाया है। कैसे? कि हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होते हैं, तत्पर होने के बाद जब हम जो कार्य है उसको करने के लिए तत्पर हुए हैं उसको हम अभ्यास में लाते हैं, यानी कि उसका अभ्यास हम बार बार करते हैं, तो उसका प्रभाव भी किस पे पड़ेगा? जिस चीज़ का हम अभ्यास कर रहे हैं उसका प्रभाव उस एक विषय वस्तु जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उस पे पड़ेगा, तो उसका परिणाम भी निकलेगा। और जो अभ्यास है उसको हम एक बार करके छोड़ते हैं तो वो उपयोगी नहीं होता, अनुपयोगी हो जाता है, और यदि हम उसी अभ्यास को बार बार करते हैं तो वो उपयोगी हो जाता है। तो ये 3 नियम, ये जो मुख्य नियम थे, इनके आधार पर हम आगे के सिद्धांतों को पढ़ने वाले हैं। आज हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो गौण नियम है थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए वो कौन कौन से हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 5 गौण नियम, 5 गौण नियमों की चर्चा हम यहां करेंगे। गौण नियम, इनकी हम यहां पे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये किसने दिए हैं? ये भी थॉर्नडाइक ने ही दिए हैं, थॉर्नडाइक। इन्हें कैसा वैज्ञानिक माना गया है? व्यवहारवादी, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। ये कहां के थे थॉर्नडाइक? कहां से बिलोंग करते थे? अमेरिका से। अमेरिका से। ये कितनी सारी चीजें यहां, 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ छोटे क्वेश्चन है, लेकिन कई बार होता क्या है कि एग्जामिनर के माइंड पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पुट अप कर सकता है। तो आप इन चीजों को यहाँ क्लियर कर लीजिए। अब हम गौण नियम की बात करते हैं। तो गौण नियमों में जो हमारा पहला नियम है, गौण सीखने के गौण नियम, उसमें हमारा पहला नियम कौन सा है? जो वो है बहु प्रतिक्रिया का नियम। गौण नियम पहला कौन सा आ गया? बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया का नियम, ये बहु प्रतिक्रिया का जो नियम है स्टूडेंट्स, वो क्या कहता है? वो कहता है कि
बहु प्रतिक्रिया के नियम में थॉर्नडाइक ने बिल्ली वाले प्रयोग को बताया है, जिससे इस बहु प्रतिक्रिया के नियम उद्दीपन अनुक्रिया के नियम को प्रभावी बनाता है। उद्दीपन अनुक्रिया का नियम है, वही बहु प्रतिक्रिया का नियम है कि किसी क्रिया को बार बार करना, किसी एक क्रिया को जब हम बार बार करते हैं उससे उद्दीपन अनुक्रिया होती है। बार बार क्रिया को करने से वो कार्य है वो सफलतापूर्वक हो जाता है। तो हमारा पहला बहु प्रतिक्रिया का नियम यहाँ दिया है, और सेकेंड नंबर दिया है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, ये आंशिक क्रिया का जो नियम है, बहु प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है, किसी चीज का बार बार अध्ययन करो, किसी चीज को बार बार करो, बार बार अभ्यास करो। और ये जो आंशिक क्रिया का नियम है वो क्या कहता है, लॉ ऑफ पार्टिलेस एक्टिविटीज, ये क्या कहती है कि अंश से पूर्णता की ओर जाती है, कि आप किसी चीज का अध्ययन कर रहे हैं, आपने किसी एक चीज का अध्ययन करना है तो हम इसको टुकड़ों में विभाजित करके और इसको पूर्ण कर सकते हैं। ये क्या कहती है, आंशिक प्रतिक्रिया का नियम कहता है, यानी कि शून्य से पूर्णता की ओर ये ले जाता है। छोटी छोटी चीजों को जोड़कर हम एक बड़ी चीज का निर्माण कर सकते हैं। अध्ययन के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो हम किसी भी टॉपिक का, किसी भी विषय वस्तु का जब विश्लेषण करते हैं तो यदि हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उसका अध्ययन करते हैं तो हम उसको पूर्ण कर पाते हैं। ये क्या कहता है, आंशिक क्रिया का नियम कहता है। तीसरा जो नियम यहाँ गौण नियमों में बताया है वो है मानसिक विन्यास का नियम, उसको मनोवृत्ति का नियम भी बोला जाता है। वैसे कहते हैं कि अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग चीजें मनोविज्ञान के अंदर दे रखी है, लेकिन आप मनोवृत्ति के नियम से इसे याद करेंगे तो आप इसको क्लियर कर पाएंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति का नियम। इस मनोवृत्ति के नियम में, ये जो मनोवृत्ति का नियम है ये क्या कहता है कि हमारे मन में जो आवृत्तियां बनी हुई हैं, जो अभिवृत्तियां बनी हुई हैं, या वो हो सकता है सकारात्मक भी है, हो सकती है, और वो नकारात्मक भी हो सकती है। यदि मन की मनोवृत्ति सकारात्मक है तो हम किसी कार्य को करने में सफलतापूर्वक सक्सेस होंगे। यदि हमारी मन की मनोवृत्ति, मन की अभिवृत्ति ही कहते हैं नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो शायद हम उस कार्य को करने में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो गौण नियमों का तीसरा नियम क्या कहता है कि हमारी जो मनोवृत्ति है वो किस तरीके की होनी चाहिए। मनोवृत्ति जब अच्छी होती है, यदि आपकी सोच सकारात्मक है तो आपका कार्य भी सक्सेस होगा, आपकी सोच ही नकारात्मक है तो आपका कार्य कभी भी सक्सेस नहीं होगा। चौथा नियम क्या बोलता है, आत्मीकरण का नियम। चौथा नियम गौण नियम में बोलता है आत्मीकरण का नियम, आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम क्या बोलता है, ये लॉ ऑफ एनिमिलेशन जो है आपका, ये बोलता है कि आप कोई भी कार्य को सोचते समझते हुए, आप कोई भी कार्य को सोचते समझते हुए पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो शायद साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं उन्होंने बीएड तो कहीं ना कहीं कर ही रखा है, क्योंकि वो शिक्षक बनने के लिए साइकोलॉजी को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं। तो हमने जब बीएड किया था तो हमने पूर्व ज्ञान भी कहीं ना कहीं पढ़ा था। आप अपने आपके माइंड में उस बात को ऑर्गेनाइज करिए कि हमने पूर्व ज्ञान को कहाँ पढ़ा था। देखिए स्टूडेंट्स, पूर्व ज्ञान को हमने प्रस्तावना प्रश्न, जब हम किसी भी प्रकरण की प्रस्तावना प्रश्न करते हैं उससे हम पहले हम पूर्व ज्ञान को, बच्चे के पूर्व ज्ञान को जानने का प्रयास करते हैं, उस पूर्व ज्ञान से हम संबंधित होते हुए प्रस्तावना को करते हैं तो वो प्रस्तावना हमारी परिपूर्ण ढंग से, परिपूर्ण तरीके से हो पाती है। ये एक आपको एग्जाम्पल है पूर्व ज्ञान का कि पूर्व ज्ञान को हमने कहाँ उपयोग किया था और उससे हमने प्रस्तावना की थी और प्रस्तावना से हम उसके टॉपिक तक संभवतः जा पाए थे। तो हमें ये क्या कहता है, आत्मीकरण का नियम भी यही कहता है कि आप कोई कार्य को किसी चीज के पूर्व ज्ञान से सीखते
नियम माना गया है। सहचर्या का जो नियम है वो एक परिवर्तन का नियम है, ठीक है। वो क्या है, गौण नियमों का एक सबसे महत्वपूर्ण नियम है जिसमें समान पुनरावृत्तियां होती हैं, समान तरीके का व्यवहार होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि मैंने एक माँ को देखा, मैं माँ को देखते हैं हम तो वो व्यवहार वो अपने बच्चे से उसके होते हुए भी वही व्यवहार करती है, और बच्चे के चले जाने के बाद बच्चे के उसके पास से चले जाने के बाद उसकी फोटो रख के भी वो इसी तरीके की बातें उससे करती है, उसी तरीके का व्यवहार उससे करती है। तो वो क्या है, पुनरावृत्ति का नियम, यानी कि समान तरीके से पुनरावृत्ति कर रही है वो। ऐसे ही एक प्रेमिका है, प्रेमी और प्रेमिका है, उसके चले जाने के बाद उसकी फोटो के साथ उसका बात करना, इस तरीके की चीजें पुनरावृत्ति के नियम को, यानी कि सहचर्या का जो नियम है उसका उसका आभास में कराते हैं। तो ये जो पांच नियम है, कौन कौन से, बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ कहते हैं रेस्पॉन्स, इसका लॉ ऑफ रेस्पॉन्स क्या है, ये बहुप्रतिक्रिया का नियम। आपका आंशिक क्रिया का नियम सेकंड आ जाता है, मनोवृत्ति का नियम, आपके मन में क्या विचार, किस तरीके के विचार चल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। आत्मीकरण के नियम में आप अपने पूर्व ज्ञान से संबंधित होकर किसी भी कार्य को करते हैं तो वो 100% आपका सफल होता है। सहचर्या का नियम है वो आपके समान पुनरावृत्ति के नियम को दर्शाता है। तो स्टूडेंट्स, थॉर्नडाइक द्वारा दिए हुए तीन मुख्य नियम और पांच गौण नियमों का अध्ययन हम यहाँ पर कर चुके हैं। आगे की क्लास में हम अधिगम की चीजें, यानी कि जितना अधिगम, जितना मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी जितनी मैंने आपको पढ़ाई है उसके कुछ क्वेश्चन लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। तो मेरी वीडियो पर आप लगातार बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो आपके काम की है, आपके बनने वाले, आपके जो लक्ष्य आपने चुन रखा है उस तक पहुंचाने के लिए आप अधिगम करते रहिए, साइकोलॉजी पढ़ते रहिए। मेरे नव भारती चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे कमेंट्स बॉक्स में इसी तरह कमेंट्स करते रहें। देखिए स्टूडेंट्स,